हाँ चलो चलो हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो अभी गाइज सुबह के 8 बज रहे हैं, व्लॉग एडिट करके मैंने अपलोड कर दिया है, 4 बजे उठ गया था भाई। आजकल पूरे 4 घंटे लग रहे हैं एडिट करके अपलोड करने में, तो फाइनली हो गया। अब चलते हैं बाहर, ओरियो भैया यहाँ पे, ओरियो चले। तो अभी हम ओरियो को लेके निकल पड़े हैं, लेकिन आज फॉग हो रहा है, आज तो कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रही है। चलो भाई वापस, पहाड़ में बर्फ गिरे ना कल हम गए थे, तो पहाड़ में जब बर्फ गिरती है तो यहाँ ठंड हो जाती है बहुत ज़्यादा। जैकेट डाल रखी फिर भी। सॉरी ओरी, आज ज़्यादा देर तक नहीं घुमा पाया, ठंड हो रही है बाहर। आज मेरा मन हो रहा है आलू के परांठे खाने का। बना दो। रोज रोज खाने में वैरायटी होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलनी चाहिए, कभी मेथी, कभी गोभी, कभी पनीर, कभी आलू का, कभी मूली का परांठा, कभी किसका। अगर डेली दाल चावल खाएं, वैसे पसंद है, ऐसी बात नहीं है, दाल चावल डेली। तो फिलहाल पीयूष भी उठ चुका है, उठते ही बैठ गए अपने होमवर्क करने पे, भी सर आएंगे ना, इसको होमवर्क दे रखा था, जल्दी से करना पड़ेगा इसको। सही है, आज के लिए सुबह सुबह उठ के डेली होमवर्क कर रहा है, उसके बाद फिर इसकी क्लास हो रही है, फिर उसके बाद हम ब्लॉग करते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद थोड़ा घूमने चल जाते हैं। तो क्या लगता है तेरा एडमिशन हो जाएगा? आराम से। तेरे को कॉन्फिडेंस है खुद पे? हाँ। चलो देखते हैं, प्रिपरेशन तो कर ही रहे, अभी चलते हैं। फिलहाल मैं नहाता हूँ, आज फिर से नहाना पड़ेगा, मैं एक या दो दिन छोड़ के नहा रहा हूँ, ठंड हो रही है ना बहुत, चलता है अपना। तो अभी गाइस जैसे जैसे नहा के रेडी हो गया हूँ मैं। ये कुछ ज्यादा हरी मिर्च नहीं डाल दिया आपने? हरी मिर्च के परांठे लग रहे हैं, आलू के तो लगे मेरे। चलो मेरा खाना भी आ गया। फोटो खींच जा रहा है, मस्त आ रही है, और यहाँ इंस्टाग्राम पे डाल देना, और इधर देख, टैग कर दूंगा तेरे को भी। तेरे से ज्यादा फॉलोवर है उसके। इसके कितने हो गए? और इधर देखो, फोटो खींच रहा हूँ, इधर देखो, हाँ बहुत दिख रहे। सो गाइस अभी हम ओरियो को डॉग्स की वीडियो दिखा रहे हैं, वो देखो कैसे खड़ा हो गया। तो भी गाइस बात ऐसी है, बड़ी मम्मी डांट रही है पीयूष को, और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मम्मी मुझे डांटने वाली है इस बात पे भी। आप भी कपड़े धुल के। मम्मी जी मुझे आपसे एक बात कहनी है। कितना बार डांटा कर रहे यार? डांटने वाली बात नहीं है, डांटने वाले काम मत करो। मैं क्या कह रही हूँ यार, काम करने दे, छोड़ दे, चल। तो गाइस ये है मेरे पास न्यू हुडी जो कि मुझे भेजी थी बी यूनिक ने, तो इसको दिखाता हूँ, ऊपर चलते हैं, यहाँ पीयूष की क्लास चल रही है ना, देखते हैं कैसी है। आजकल बारिश बहुत आ रही है ना, तो मम्मी सारे कपड़े यहाँ डाल रही है, देखो नीचे से ऊपर तक पूरे कपड़े कपड़े यहाँ तक। ये मैंने अनबॉक्स तो कर लिया, थैंक यू बी यूनिक भाई, मस्त लग रही है। ये वाला कलर ना मेरे पास था भी नहीं हुडी में, तो अच्छा लग रहा है थिंक। तो अभी पीयूष की क्लास हो चुकी है, इन पर्दों को अब हटा देते हैं। तो अभी का सीन ऐसा है गाइस, हमारी वॉशिंग मशीन खराब हो चुकी है, उसमें पता नहीं आज पटाखा सा हो गया, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया मशीन में, तो वो अब सुखा नहीं रही है। तो अभी हम प्लान कर रहे थे कि मम्मी के लिए लेके आते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, अभी तक हमारे पास वो वाली थी ना हाथ वाली, उसमें मतलब ठंडे पानी में हाथ डालना पड़ता था और सुखाने के लिए ऊपर जाना पड़ता था। तो अभी सोच रहे कि ऑटोमेटिक ले, लेकिन मम्मी मना कर रही है कि मुझे ऑटोमेटिक नहीं चाहिए, मुझे ये ठीक करवानी है। तो अभी वही डिस्कशन चल रहा है सबका कि क्या होता है, देखते हैं क्या करना है, बताओ। ये इसी को करा दो, ठीक है? नहीं, हम तो कह रहे हैं नहीं ले ले, नहीं लेने का फायदा है। एक बात, हमें कितनी बार खराब हो गई है बताओ, लेनी है? मैं कुछ नहीं कहती भाई, तो अभी तक गाइस हमारे पास ये वाली वॉशिंग मशीन है, ये बहुत पुरानी हो गई है और ये खराब भी हो चुकी है। चलो बड़ी रेडी हो जल्दी नहीं लेने के लिए। चलो, अरे चलो यार, अब खराब हो गई, कल कपड़े कैसे धोओगे? तो फिलहाल मैं थार लेके आता हूँ, आ जाओ, मतलब ऑटोमेटिक यूज तो कर लोगे ना? कर लोगे ना? गाड़ी में बैठते अजीब हो जाता है यार मेरे को। यार मम्मी जी कह रही है गाड़ी में बैठते अजीब हो जाता है, मतलब मार्केट जाने में उल्टी। बताओ कितने किलो की चाहिए? जो लेनी है ले लो। ये पीयूष गिफ्ट कर रहा है मम्मी को। पीयूष कर रहा है। सो गाइस फाइनली यहाँ पर वॉशिंग मशीन फाइनल हो चुकी है, ये वाली ले रहे हैं। बड़मी का है, बड़मी इधर आओ ना, मैं गिफ्ट कर रहा हूँ बड़मी को, इधर आओ बड़मी, ठीक है ना, सेटिस्फाइड हो ना? हाँ ठीक है। सो गाइस अभी वॉशिंग मशीन तो फाइनल कर लिया है, वो एक दो दिन में घर तक पहुँच जाएगी। अब बड़ी मी सारा पार्टी घर तक पहुँच जाएगी, घर तक पहुँच जाएगी। दूर से आ रही है भाई? अरे कोई बात नहीं, बड़ी मी अब पार्टी देगी। चलो अब मतलब सही हो जाएगा मम्मी के लिए, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कपड़े धोने में ना, उसी में सूख जाएंगे, उसी में धुल जाएंगे अपने। सही, मम्मी तो फर्स्ट टाइम है आज यहाँ पे, हम तो यहीं पे आते रहते, आपने वीडियो में देखा होगा। मत कर यार, ठंडी हो रही है यार। तो कैसा लग रहा है आपको? जब मेरे को अच्छी तरह चलानी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, फिर बताऊंगी कैसा लग रहा है। एक घंटे में सिखा दूंगा मैं, कपड़े दे दूंगी, तुम्हें धो देना। मैंने कहा मलाई चाप अच्छा होता है क्या?
फाइनली गाइस चाप आ चुके हैं। घर में शिमला मिर्च की सब्जी नहीं बनानी तेरी। हाँ यहाँ देखो शिमला मिर्च प्याज सब खा रहे हैं। घर पे सब्जी बनी तब तो नहीं खाते भाई, चाप है वो सब खाएंगे बाहर। अभी तो नहीं खाता है शिमला मिर्च, तीन तुमने कब खाई घर। चलो फाइनली मम्मी को पसंद आया, नहीं तो रेयरली चीजें मम्मी को पसंद आती है, मम्मी यूजली नहीं खाती बाहर कभी। तो अभी गाइस साहिल और मैं जा रहे हैं वॉशिंग मशीन लेने के लिए। वो कह रहे थे कि अगर छुड़वाओगे तो 500 रुपये लगेंगे, जबकि इतने से के 500 रुपये क्या देने। तो हम फॉर्च्यूनर में जाके ले आएंगे, इसमें डाल के पास में ही अपना। तो साहिल और मैं जा रहे हैं फिलहाल, पीयूष घर पे ही है, बाकी सब घर पे ही है। तो अभी गाइस शॉप पे तो पहुंच गए, अब जल्दी से वॉशिंग मशीन को डालते हैं गाड़ी में और चलते हैं। तो अभी हम फिर से आ गए हैं कैरावैन में, इसमें और कुछ मॉडिफिकेशंस करे हैं। भाई क्या मस्त फील आ रही है यार यहाँ पे। इसमें ओनली बैठने का नहीं है, बेड भी है इसमें, पूरा बेड बन जाता है, उसमें सो भी सकते हैं। ये जो पीछे है ना ये पूरा ऐसे फोल्ड हो जाता है। इस पर टू मैन टेंट रख दिया, देख मैंने हटा पाऊं। ये छत पर लगाने के लिए हम दो जने छत पर सो सकते हैं अभी। सोने के लिए टेंट वेंट सब कुछ है। तो वही हम प्लान कर रहे हैं थोड़ा, इस पे ट्रैवल करेंगे ना। इसमें जाने के बाद तो कोई टेंशन नहीं है, चाहे अंधेरा हो चाहे रात हो जाए, रात को इसी में सो सकते हैं, इधर ही स्टे करेंगे ना, सब कुछ कर सकते हैं भाई, कोई चक्कर नहीं है। और गाइस इसमें लाइट्स भी देखो काफी तगड़ी है, मतलब रात को भी अगर हम शूट करें या फिर कुछ भी काम करे तो। तो भी गाइस फार्म हाउस पे ही 9 बज चुके हैं, पता नहीं चला बात करते करते कैसे टाइम निकल गया। जल्दी ही कैरावैन लेके हम निकलेंगे लॉन्ग ट्रिप पे, तो वेट करना, फिलहाल चलते हैं अब घर। तो कार मैंने पार्क कर दी वहाँ पे, अब चलते हैं घर। फाइनली मम्मी जी की वॉशिंग मशीन आ चुकी है घर के अंदर, अभी कल सेट होगी ना मम्मी। बस बस ठीक है यहीं पे ठीक है। तो पीयूष अपने अंदर रिकॉर्डिंग कर रहा है, अच्छा हुआ वो हमारे साथ में नहीं आया, क्लास भी थी, रिकॉर्डिंग भी करनी थी उसको। अभी इस वॉशिंग मशीन की अनबॉक्सिंग हम कल करेंगे, कल कंपनी वाले आएंगे ना लगाने के लिए, तो वही अनबॉक्सिंग करेंगे और लगाएंगे इसको, ठीक है मम्मी। बाय द वे ओरी भी अपना सो चुका है यहाँ पे मस्त ओढ़ के। सुबह रेडी रहना, 7 बजे रेडी रहना। हो गई रिकॉर्डिंग? सो जाएगा। हाँ बेटा दूध रख जाए मम्मी, ले जा फिर वहाँ, रखो टेबल पर, वहाँ रखो कमरे में, दूध में डालो मम्मी। यार इतना सारा दूध मत दिया करो, थोड़ा थोड़ा दिया करो, रोटी थोड़ी खाई है। सो गाइस ये वही वाली आइसक्रीम है जो बड़े मी से इतनी छुपा के हम फ्रिज तक लाए थे, आज फाइनली हम इसको खोलने जा रहे हैं। मैं भी खाऊंगा भाई, मैं भी खाऊंगा। नहीं मैं भी खाऊंगा। नहीं आप अभी तक तो मना कर रहे थे, मैंने खोला है वो। तो गाइस मैं तो सिर्फ इतनी सी खा रहा हूँ, और ये देखो दूध में डाल रहे हैं भाई, बिल्कुल शेक लग रहा है, वनीला शेक ले भाई, पीयूष ने भी डाल दी। तो भी गाइस रात के 10:30 हो चुके हैं और आज आने में काफी लेट हो गया, बिकॉज हम डिस्कस कर रहे थे काफी कुछ कैरावैन से रिलेटेड। तो आपको काफी अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलने वाला है कैरावैन में ट्रेवल करेंगे जब। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, बिकॉज अब मुझे सोना है, सुबह 4 बजे या 3 बजे उठना है, तभी मैं एडिट करूंगा एज यूजल। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे को पता है तू हाथ मारेगा। चल कर दो, बाय।